आई एम वेरी ममनून. कोई बात नहीं अली भाई, लाइफ में कभी कभार एंजॉयमेंट का मौका आता है. तो जी चाइनीज राइस और वो भी आप ही के हाथ के. मैकरोनी खाई है, स्पैगेटी खाई है और जी साथ और लगा लेंगे मोस्टली जो हमने और जो चाइनीज डिशेज आपको पता ना, हम जब पाकिस्तानी बनाते हैं ना हम अच्छे खासे मसाले ठूंस के बनाते हैं उस तरह की. अब हम उधर गए हैं तो हमारे जो हस्बैंड है, मेरे जो हस्बैंड है तो स्वयं को किसी को भी नहीं पता था कि मतलब बेसिकली हमें ऑर्डर क्या करना चाहिए. बट थैंक गॉड कि उनकी तरफ से ही इस वक्त तो जो है हम बैठे हुए हैं पापा जॉन्स पे और उस पर काफ़ी सारे व्लॉग्स मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसलिए मैं ना उस पर प्रॉपर व्लॉग नहीं बना रही. लेकिन मैंने इम्तियाज स्टोर का बनाया है, हमने कंप्लीट वीडियो देखनी है. लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें. अस्सलाम वालेकुम एटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो अभी स्टार्ट होने लगा है दोबारा से हमारे आउटिंग का टाइम, तो यहाँ पे वेट हो रहा है गाड़ी के निकलने का. और आपको पता है कि जब ख़वातीन ने जाना हो तो आहिस्ता आहिस्ता से तैयार होना होता है, और अब हम जाने लगे हैं. और जब तक गाड़ी निकलती है मैंने सोचा चलो ना सीढ़ियों में बैठ के आपके लिए थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ. और इस वीडियो में जी मैं आपको दिखाऊंगी इम्तियाज़ स्टोर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है. मतलब जिन लोगों को शौक़ होता है ना नए नए सुपर मॉल्स देखने का, जिनको मतलब एक्चुअली शौक़ होता है कि अब कौन सा नया मॉल है और कौन सा मॉल अच्छा है, कौन सा कैसा है, अंदर से कैसा दिखता है. मतलब मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है, आपको पता नहीं होती है कि नहीं, लेकिन उनके लिए स्पेशली है. तो मेरे साथ आप चलें जी इम्तियाज़ स्टोर में. यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, इससे पहले लाहौर के काफ़ी सारे मॉल्स जो हैं विज़िट आउट कर चुकी हूँ, लेकिन अभी ये इम्तियाज़ स्टोर पे जा रहे हैं. सबसे पहले जी हम गए हैं फार्मेसी पे, यहाँ पे जी साथ ही हम लोगों ने दवाइयाँ भी लेनी थी. मतलब हमें हर सेक्शन में ना कुछ लेना था. उसके बाद सेकेंड इनका पोर्शन आ जाता है बेकरी आइटम्स का, खाने पीने का, फूड का. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से. और इसकी बेस्ट बात ये थी कि इनके रेट्स बहुत रीज़नेबल हैं. मतलब ऐसा होता है ना कि आप मेट्रो जाते हैं या किसी और सुपरमॉल जो मतलब खाने पीने के रिलेटेड होते हैं, जैसे हाइपर स्टार पहले हुआ करता, अब तो केयर फोर है, उस तरीके के ही इनके रेट्स हैं. कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है. तो बड़ा ही हमें ना ये सही वाला लगा कि चलो ना यहीं से हम लोग शॉपिंग करते हैं. और यहाँ मैं तो है फर्स्ट टाइम ही आई थी और मेरा तो जो है ना एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है. यहाँ बच्चों को एकदम से भूख लगी थी, चीज़ें देख के जो भूख लग जाती है ना वो वाली इनको लग गई थी. यहाँ पे इन्होंने डोनट्स ले लिए. उसके बाद हम लोग आए हैं कॉस्मेटिक्स के पोर्शन में, और हमने हर जगह थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ली हैं. मैं आपको एंड पे ट्रॉली दिखाऊंगी जो कि फुल ऑन हमारी भरी हुई है. और काफ़ी सारी शॉपिंग हमने की थी, टू ट्रॉलीज थी और दोनों की दोनों फुल भर गई थी. और जी वो एंड पे आप लाजमी देखेगा. इसके अलावा जिन्होंने मेरा वो व्लॉग पसंद किया है, जो 3 लाख अर्निंग करती हैं एक खातून, और ये बिल्कुल रियल बात है. और वो खातून जो है मेरी हाला है, मेरी सगी हाला है, बिल्कुल रियल स्टोरी है, कोई फेक नहीं है. तो अगर आप में से भी कोई अर्निंग करना चाहता है, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेजेस किए हैं और उनके मैसेजेस का शुक्रिया, और वो बड़े सेटिस्फाइड हुए हैं जब उनको जो है बताया गया इस तरीके से आप बिज़नेस कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं. ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं. और अगर आप में से भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करें, मैं यहाँ पर टैग कर दूँगी अपना इंस्टाग्राम का पेज का नेम, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस. और यहाँ पे अब सेक्शन आ गया है चॉकलेट्स का, केक्स का. आपको पता है कुछ ग्रॉसरी के लिए चीज़ें होती हैं, कुछ बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह, केक्स, ये तमाम तर इस. और अक्सर अवकात ना मैं ये काफ़ी सारा स्टॉक इकट्ठा कर लेती हूँ घर पे ही, ताकि बच्चों के जैसे वक्तन फ़क्तन ज़रूरत पड़े वो जो है ना इजीली ले लेते हैं. लेकिन मसला पता क्या होता है, इनका स्टॉक जब भी रखना होता है बच्चों को, यही होता है हम शॉप पे जाके चीज़ लें और मैं खा खा के तो मेरा वज़न बढ़ जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ारी होती है ये चीज़ें लेते हुए. लेकिन आपको पता है कि जब ये चीज़ें नज़र आ जाए फिर तो इंसान जो है ना अपने आप को रोक नहीं सकता. यहाँ पे ये डीप फ्रीजर्स का जो है एरिया आ गया है, यहाँ पे हर किस्म के फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो जो चीज़ें किचन की होती हैं वो आपको नज़र आ रही हैं. और ऊपर बकरा इसलिए बना हुआ है जिन जिन लोगों ने पूरा पूरा बकरा ज़िबा करना है और फिर सेफ अपने ही फ्रीज़र में करना ना, ये उनके लिए स्पेशल उन्होंने बकरे की पिक्चर बनाई है कि आप जब आपने कुर्बानी का गोश्त करना है तो पूरे का पूरा फ्रीज जो जिन लोगों ने करना था ना उनके लिए स्पेशली है. और यहाँ पे कपड़ों का एरिया आ गया, मेरी सिस्टर ने शॉपिंग करनी थी, उसने की है न्यू बॉर्न बेबी के लिए.
शॉपिंग में क्या है, अगर वो अलाउ करेगी तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। उसके साथ साथ जी शीज़ ट्रॉली में बैठा हुआ है, जारियान भी बीच में कभी कभी बैठ जाता है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। एक तो चीज़ें तो जो आपने रखनी है सो रखनी है, लेकिन बच्चे इसमें बड़े अच्छे काबू रहते हैं, तो हर खिलौना हर खाने वाली चीज़ उनका दिल होता है कि हम वो ले लें। यहाँ पे LCD का पोर्शन आ गया है, मेरी अम्मी क्योंकि न्यू घर बना रही हैं, हम उनके लिए LCDs पसंद कर रहे हैं कि मतलब कौन सी होनी चाहिए ना उनके न्यू घर में, तो बस हम वही देख रहे हैं कि किस कितने इंच की जो है LCD ज़्यादा अच्छी लग गई और किसकी जो है क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, हम यहाँ पे वही देख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप ट्रॉली के हालात, ये तो फुल ऑन भर गई है, अभी दूसरी भरने वाली रह गई है, उसका भी काफ़ी सारा हिस्सा फुल हो गया, और ये जारियान के अपने ही मतलब तमाशे होते हैं। और यहाँ पे हर किस्म की जो चीज़ आप सोच सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। मैं फिर आ गया। और ये महीना आप सोच सकते हैं कि तकरीबन ये पूरा माह हम लोग ने बहुत ज़्यादा आउटिंग की है। एक तो समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, सम टाइम मैं व्लॉग बनाती हूँ, सम टाइम जो मेरी फैमिली है ना बड़ी आवाज़ार होती है कि क्या मतलब मोबाइल निकाल लेती है, और मुझे खुद भी बड़ा अजीब सा फील होता है कि मतलब व्लॉग तो स्पेशली एक बनाना पड़ता है ना, तो आप लोग हालांकि लाइक भी नहीं करते हो, लेकिन मैं फिर भी डीटों की तरह व्लॉग बना लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो एक अच्छी एक्टिविटी मिली हुई है। आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कोई मसला नहीं होता है, और सब्सक्रिप्शन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मुझे ज़रा हिम्मत आती रहे कि मेरे व्लॉग्स लोग देख रहे हैं। जो सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि मतलब सब्सक्रिप्शन जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली वीडियो का रैंक बढ़ता है, जब आप वीडियो पूरी देखते हो लाइक करते हो तो उससे डेफिनेटली और ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, तो प्लीज़ थोड़ी हिम्मत कर लिया करें। तो काफ़ी सारी वीडियोस काफ़ी सारे जगहों की मैं नहीं बना सकी क्योंकि दोबारा दोबारा वही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता कि बार बार हमें एक ही चीज़ बार बार दिखाएं। यहाँ पे जी पोर्शन आ गया है फ्रोज़न आइटम्स का, इसमें के एनएनस के सूफ़ी के, इसके अलावा जो जो आप सोच सकते हैं ब्रांड्स, हर नया एक बस निकलने की देर है, साथ ढेरों ढेरों और ब्रांड्स निकल आते हैं, क्वालिटी जैसी भी हो, लेकिन जो आपको सबसे पहले आपकी नज़र में से ब्रांड गुजरता है, जैसे के एनएनस का सबसे पहले फ्रोज़न आइटम्स आई थी, उसके बाद जितनी भी आई हैं मेरा निहाल के दिल उतना आपका पसीजता है जितना कि पहली फर्स्ट जो है ना पहले ब्रांड पर जितना आपका दिल बैठ जाता है, तो वही बात हो जाती है, लेकिन फिर जब आप उनका टेस्ट ट्राई करते हैं अगर अच्छा लगता है तो फिर आप नेक्स्ट टाइम लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने कुछ वो भी चीज़ें नहीं है, इंटरव्यू होने लगा है अली का, क्योंकि काफ़ी ऐसे बारियल हो रहा है, तो चले हम पूछते हैं अली से कि इसको तो हो रहा है कि इतने कैसा फील हो रहा है। हाँ जी, तो अली आपको कैसा फील हो रहा है? हेलो गाइस, मैं हूँ अली राठौर, वर्ल्ड सामला राठौर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लाहौर आके, आई एम वेरी वेरी गुड, वेल यस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू, आई एम स्पेशली थैंक्स टू यू निदाइश, थैंक यू थैंक यू। अली एकदम जो है ना चकास किस्म का इंटरव्यू दिया है, प्लीज प्लीज, जिसको हम रिवॉर्ड में देंगे एक पूरा के पूरा चम्मच अल्फ्रेडो पास्ता का, ठीक है, आपके सामने मैं इसको दूंगी। वाओ, अब हम इंटरव्यू ले रहे हैं फातिमा भी। आई एम वेरी ममनून। कोई बात नहीं अली भाई, लाइफ में कभी कभार एंजॉयमेंट का मौका आता है। थैंक यू सो मच जी। फातिमा, आप क्या कहेंगी लाहौर आपके, आपको कैसा फील हो रहा है इतने अरसे के बाद? मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं हम लोग, है ना? हाँ। अभी तक आप किस किस जगह पे जा चुकी हैं? तो मुझे मज़ा आया है रात को PF चैंक्स जाके, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो वहाँ पे आपको किसने जहमत दी थी जाने की? आज़म भाई दिख रहे हैं और भाई मैं गया हूँ वहाँ पे, और चाइनीज चावल के सिवा मैंने कुछ भी नहीं था खाया हुआ चाइनीज में, तो उधर मतलब कि क्या क्या नाम से मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन मजा बहुत आया। कुछ मंगोली भी था, उधर हमने ऐसी डिशेज ऑर्डर की हैं कि जिनका मैं नाम नहीं आता था, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थी। असल में ना PF चैंक्स पे जो मेन्यू कार्ड आया ना, तो यकीन करें हमें तो तीनों को ना बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था कि वो बेसिकली उन डिशेस को मतलब खाने में वो कैसे, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हमने चाइनीज डिशेस में खाए हैं जी, चाइनीज राइस और मैकरोनी खाई है, स्पैगेटी खाई है, और जी साथ और लगा लेंगे मोस्टली जो हमने, और जो चाइनीज डिशेज आपको पता ना हम जब पाकिस्तानी बनाते हैं तो हम अच्छे खासे मसाले ठूंस के बनाते हैं उस तरह की। अब हम उधर गए हैं तो हमारे जो हस्बैंड है, मेरे जो हस्बैंड है
تو سوائے ہم کو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ مطلب بیسیکلی ہمیں آرڈر کیا کرنا چاہیے، بٹ تھینک گاڈ کہ ان کی طرف سے ہی ہمیں آفر تھی اور انہوں نے ہی پے کرنا تھا، اور کافی ایکسپینسو ریسٹورینٹ بھی ہے لاہور میں نا، اور ہمیں یہ تھا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم لوگ کچھ ایسا آرڈر کر دیں اور ہمارے پیسے جائیں ضائع، لیکن تھینکس ٹو اعظم انہوں نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا وہ والا ولاگ نہیں دیکھا تو آپ دیکھیں، اس میں ہم نے کمپلیٹ ڈیٹیل دی لیا ہم نے کیا کیا ادھر انجوائمنٹ کیا اور کیا کیا ہم نے کھایا، وہ آپ نے ولاگ لازمی دیکھنا ہے۔ جب فاطمہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، جی فاطمہ وہاں پہ مجھے ایک چیز نظر آئی، امر اور مرار کو ولاگس دیکھ دیکھ کے نا، میں نے کہا چلو یار سوشی آڈر کر لیتے، سوشی کا بس نام ہی آتا تھا، کھائی کبھی نہیں ہے، اور بعد میں نے بولا یہ تو کچی ہوتی ہے، میں کہا نہیں نہیں پھر جانے تھے، پھر آپ جو آڈر کرنا چاہتے ہیں وہی کر لیں۔ یہ نا اپنے طرح سے بڑی ماڈرن بننے لگی کہ آج میں تو سوشی کھاؤں گی، نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا بھائی، میں نے ایسے کہا تھا ٹرائی کر لیتے، ٹرائی کرنے کے لیے چلو ماڈرن نہیں بن رہی تھی، وہ عام ہی بن رہی تھی، تو جیسے اس کو بتایا کہ وہ کچی فش ہوتی ہے، ساتھ ہی بیچاری کہتی ہے نہیں 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 آسم بھائی یہ نا آڈر کیجیے گا، تو خیر بہت زیادہ مزہ آیا، آپ نے بلاگ لازمی دیکھنا ہے، پلیز پلیز سبسکرائب ٹو اس۔ تو جی اب چلتے ہیں ویڈیو کے اختتام کی طرف، تو یہاں پہ پیزا شیزا ہم نے کھایا، الفریڈو پاستا کھایا، جو لوگ پاپا جونز کو جانتے ہیں وہ الفریڈو پاستا لازمی ٹرائی کریں، اٹس اے بیسٹ یہاں کا جو ہے نا فوڈ ہے، اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں، انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔